प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान राम अवतार शर्मा ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि 1 सितंबर से प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को खोला जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई सही ढंग से हो सके। वे शुक्रवार को लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस की इस महामारी में सरकार की हिदायतों के अनुसार निजी स्कूल गत 1 अप्रैल से बंद हैं, जिसके चलते छात्रों को स्कूल अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षाएं दी जा रही हैं। अभिभावकों द्वारा निजी स्कूलों को फीस जमा न करवाने के कारण स्कूल संचालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वे एसोसिएशन के माध्यम से अभिभावकों से आह्वान करते हैं कि वे अपने बच्चों की फीस जरूर जमा करवाएं ताकि निजी स्कूल अपने अध्यापकों को समय पर वेतन दे सकें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान सरकार ने स्कूली बसों का पैसेंजर टैक्स माफ कर दिया था, लेकिन स्कूल अब भी बंद हैं। इसलिए वे सरकार से मांग करते हैं कि जब तक स्कूल बंद रहें तब तक पैसेंजर टैक्स माफ किया जाए। इसके अलावा नियम 134A के तहत भिवानी के निजी स्कूलों का सरकार की तरफ लगभग 2.5 करोड़ रुपए बकाया है, उस राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए ताकि निजी स्कूलों को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए अगर कोई जरूरतमंद अभिभावक फीस देने की स्थिति में नहीं है तो वह स्कूल प्राचार्य से संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कुछ स्वयंभू संगठन अभिभावकों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। 80% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों ने प्रयास किया है कि हम हमारे हर बच्चे के पास पहुंचे, हर स्टूडेंट के पास पहुंचे और उसकी पढ़ाई को, हमने कोशिश की है कि उसकी पढ़ाई को सुचारू रूप से हम जारी रखें। इस प्रकार का प्रयास हमारे सभी स्कूल संचालक और प्रिंसिपल्स ने किया है। बस में 52 सीट होती हैं और 52 सवारी प्रशासन ने या सरकार ने अलाउ कर दी। एक बस होती है, उसकी एक लिमिट होती है। हमारा ये होल है, इसमें आप 50 बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से कैसे भी बैठाओ, वो तो स्कूल मैनेजमेंट का काम है सोशल डिस्टेंसिंग। हम नहीं चाहते कि कोरोना का किसी प्रकार का कोई कहर हमारे बच्चों पे, हमारे पेरेंट्स पे, हमारे अभिभावकों पे या हमारे स्कूलों पे किसी प्रकार का इसका वो प्रयास रहेगा कि हम जो सरकार के नियम हैं, WHO के जो भी नियम हैं, उन नियमों की पूरी तरह से पालना करें और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हम क्लास लगाएं और बच्चों की पढ़ाई शुरू हो, हमारा ये मानना है। और स्कूल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है इस चीज़ के। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई बच्चा संक्रमित हो, हमारा कोई टीचर संक्रमित हो। हम सारी व्यवस्थाएं, स्कूल प्रशासन अगर सरकार का ऐसा आदेश आता है स्कूल खोलने का, तो 100% हम पूरी व्यवस्थाएं सरकार के नियमानुसार करके उन बच्चों की पढ़ाई हम करवाएं। 134A के हमारे भिवानी जिले के भिवानी जिले के 2.5 करोड़ के करीब रुपया हमारा बकाया है, तो पूरे प्रदेश में ये पैसा बहुत ज़्यादा है। इसको रिलीज सरकार जल्दी से जल्दी करे आप लोगों के माध्यम से, ताकि इन स्कूलों में थोड़ा सा सांस आ जाए, दो पैसे आ जाए, तो हम वो पैसा हमने करना खर्च बच्चों पे है। हमारा स्कूल संचालक, हमारी एसोसिएशन हमेशा दिमाग में ये बात रखती है कि हम बच्चे का विकास और ज़्यादा, बच्चे को और अच्छा क्या दे पाएँ, हर प्रकार की व्यवस्था। ये जो पैसा 134 से आता है, ये हमने अपनी जेब में नहीं रखना, ये भी स्कूलों में हमारा पैसा लगना है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।